नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी, नानक नाम मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी एंड गुरप्रीत मशीनरी कंपनी में स्वागत है। आज मैं आपको अपनी फैक्ट्री में लेकर आया हूँ। नानक नाम मशीनरी कंपनी एंड सुखराज मशीनरी कंपनी, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, नानक नाम मशीनरी कंपनी एंड सुखराज मशीनरी कंपनी, 52 नंबर प्लॉट है ये, आप देख सकते हैं। हमारा ऑफिस है, साथ ही में फैक्ट्री है हमारी। आज मैं आपको सभी टाइप की यहाँ पे मशीन मिल जाएगी आपको, जैसे एडजस्ट कैरिंग, नोटबुक वाली, नैपकिन वायर, नेल स्क्रू, बार्बड वायर, किसी भी टाइप की मशीन चाहिए आप ले सकते हैं हमारे से। आ जाओ, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ अभी फैक्ट्री में, मशीन्स के बारे में बताता हूँ और ऑफिस भी दिखाता हूँ आपको। आ जाइए आप। दोस्तों ये हमारा ऑफिस है, आप देख सकते हैं। दोस्तों किसी ने कोई भी मशीन लेनी है, अमृतसर में आके हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकता है, ऑफिस विजिट कर सकता है, उसको कोई भी मशीन देखनी है, कोई भी मशीन का ऑर्डर करना है, तो अब जब मर्जी आके हमारी फैक्ट्री विजिट करके ऑर्डर कर सकता है। नहीं तो अपनी सिटी से बैठा ही वहाँ से पेमेंट करें, यहाँ से मशीन डिस्पैच हो जाएगी। अपने घर से बैठे ऑर्डर करो मशीन, जो भी चाहिए आपको, 1 वीक या 10 दिन में आपको मशीन डिलीवर हो जाएगी घर पर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं आपको और भी मशीन के बारे में जानकारी देता हूँ अभी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों आपके लिए मैं रोज़ नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडियाज़ लेके आया हूँ जिसको आप करके आसानी से 10 से 15 हज़ार आसानी से कमा सकते हैं। ये आपको देख सकते हैं सभी मशीन्स रेडी पड़ी हुई हैं हमारे पास, ये सभी ऑर्डर की पड़ी हुई हैं मशीन्स रेडी। तो ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है, इसका ये बिज़नेस है वायर नेल मेकिंग और स्क्रू मेकिंग। तो स्क्रू जैसे लगता है, ड्राइवल स्क्रू, जिप्सन स्क्रू, वायर नेल हो गया, कांटी हो गया आपका, आधी इंची से लेके 6 इंची तक, 8 इंची तक स्क्रू आपका कोई भी साइज़ का बनाना है, आधी इंची, 1.5 इंची, 1 इंची, 2 इंची, सभी टाइप की मशीन, 3 इंची, कोई भी आपको मशीन चाहिए सभी टाइप की मशीन हमारे पास मिलेगी। तो आज मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी, मशीन कैसे लेनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कहाँ पर सेल करना है, सारी मार्केटिंग का प्रॉफिट के बारे में सारी जानकारी मैं आपको ये दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो के साथ बने रहना, लास्ट तक जरूर देखें। तब तक यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको मशीन दिखाऊंगा, ये वायर नेल मेकिंग मशीन, ये 1/2 इंची से लेकर 4 इंची तक कील बनाती है, कांटी कहते हैं जिसको, साथ में फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये बनाएगी, ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी वायर नेल मेकिंग, वायर नेल। तो इसमें ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आप देख सकते हैं वायर स्टैंड है, कितना हैवी वायर स्टैंड है। जो आम कोई भी आप देखोगे लोकल कोई भी आपका सप्लायर होगा, ये हमारी सारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख सकते हैं हमारी सारी फैक्ट्री है इधर, ये सभी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है पूरी। तो आप किसी लोकल सप्लायर से लोगे तो वो आपको हल्की मशीन बना कर देगा, हमारी आप किसी लोकल सप्लायर से मशीन लेते हो तो आपको एक तो हल्की मशीन बना कर देगा, ना सर्विस देगा बाद में। तो हमारी जो, अगर आप हमारे से मशीन ले रहे हो, एक तो आपको मशीन हैवी ड्यूटी मिलेगी और इन फ्यूचर सर्विस भी सबसे बेस्ट मिलेगी आपको। तो आप देख सकते हैं ये वायर स्टैंड है, आप किसी का भी देखोगे तो ऐसा वायर स्टैंड नहीं होगा, ये पूरा हैवी ड्यूटी वायर स्टैंड है। जितने मर्जी किलो का बंडल इसके ऊपर रख लो, ये कभी ना गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा। आम लोगों का जो वायर स्टैंड होता है, वायर का रोल रखो तो गिर जाता है, तो ये पूरा हैवी ड्यूटी वायर स्टैंड है। इसमें बस आपने वायर का रोल यहाँ पर रखना है, इसके ऊपर यहाँ पर इंसर्ट होएगा, बस ऑटोमेटिक बन के कील गिरता जाएगा। तो ये आपका एक ही मशीन में कील रेडी हो जाता है, 1/2 इंची से लेके 4 इंची तक। ऐसे 6 टाइप के मॉडल होते हैं, जैसे 1.5 इंची की मशीन, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, अलग अलग सभी मॉडल हैं। तो इसमें जैसे होता है, अगर आपने सभी टाइप के कील बनाने हैं तो आप 3 मशीन लगा सकते हो वायर नेल में, एक 2 इंची वाली लगाओ, एक 4 इंची वाली लगाओ और एक 6 इंची वाली लगाओ। इसमें आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगी और सभी टाइप के कील भी बन जाएंगे। तो आपको मैं मशीन की वीडियो भी दिखाता हूँ, उससे आपको सारा समय लग जाएगा कि मशीन की वर्किंग कैसे है। तो अभी हम नेक्स्ट मशीन पे जाते हैं। इसमें जैसे वायर नेल जब बन जाते हैं तो इसको पॉलिशिंग ड्रम में डालते हैं, तो जिससे इसकी जो रस्ट लगा होगा, कुछ भी होगा, ऑयल लगा है, रस्ट लगा है, तो वो सारा रिमूव हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसको आप 2 तरीके से बेच सकते हो, इसको आप सीधा एक 50 kg का जैसे बोरी होगी, 20 kg की बोरी होगी, वैसे भी बेच सकते हो, नहीं तो आप इसको डब्बी में जैसे छोटे बॉक्स में पैकिंग करके, जैसे स्क्रू पैक होता है वैसे कील भी पैक होता है, छोटा 1/2 इंची, 1.5 इंची, 1 इंची वाला कील, जो पतला कील है वो भी बॉक्स में पैकिंग होके बिकता है, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा पैकिंग कैसे करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी बेच सकते हो।
इसकी वायर आती है HB वायर होती है, HB वायर आएगी, ये सबसे सस्ती आपको रायपुर या दुर्गापुर से मिलेगी, तो सब आप वहाँ से वायर ले सकते हैं, आपको सस्ती सबसे सस्ती वायर वहाँ पे मिलेगी। तो वायर लाओ मशीन पे, बस वायर लगाओ तो ऑटोमेटिक कील बन के गिरता रहेगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया फुली ऑटोमेटिक मशीन है, देखिए जैसे वीडियो में हमने वायर लगा दिया है तो ऑटोमेटिक बस कील बन के वायर नेल बन के नीचे से गिरता जा रहा है। बस हमने कुछ नहीं करना है इसमें काम ज़्यादा, एक रोल वायर स्टैंड में रख के वायर का लगा देना है मशीन में तो ऑटोमेटिक बन के निकलता जाएगा। जैसे मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, देखो वायर स्टैंड के ऊपर रोल लगा हुआ है, इनमें ट्रायल के लिए इसे रोल लगाया है छोटा सा, तो बड़ा रोल भी लगा सकते हो, रोल लगा के वायर डालो ऑटोमेटिक बन के कील निकलता जाएगा, फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये। अभी हम नेक्स्ट मशीन पे आ रहे हैं, ये दो मशीन का सेट होता है, जैसे ये दोनों मशीन वर्क करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। जो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मशीन की, ये हेडर मशीन है। आपने स्क्रू देखा होगा जिसके ऊपर फोर हेड होता है, माइनस वाला साइन होता है, एल की का साइन, एल की लगता है, या बोल्ट वाला होता है, चाबी डलती है जिसपे स्पैनर, तो जो हेड बनेगा हेड इसमें बनेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, उसी टाइप का वायर स्टैंड लगेगा, आगे वायर लगेगी, बस वायर डाल दो हेड बन के गिरता रहेगा। तो इसमें आपका बन जाएगा हेड, बन जाएगा स्क्रू का, कोई भी बनाना है, फोर हेड माइनस माइनस बनाना है, माइनस जो अगर माइनस गहराई में बनाना है तो एक स्लॉटिंग मशीन अलग से लगती है। इसमें आपने कोई भी बोल्ट बनाना है, हेक्सागोनल बनाना है, फोर हेड बनाना है, किसी भी टाइप का एल की का बनाना है, तो इसी भी मशीन में बन जाएगा। इसमें इसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा मशीन की वर्किंग की। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, रोल लगाओ वायर का, वायर इंसर्ट करो तो प्रोडक्ट बन के निकलता जाएगा। इसमें आपका हेड तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये मशीन अभी खुली हुई है, जब पूरी होएगी तो ये वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर इसके ऊपर लगेगा तो इसके पीछे लगता है। जो भी मटेरियल आपका इस मशीन से बनेगा हेडर से, उसको बस उठा के वाइब्रेटर में डाल दो, इसमें थ्रेडिंग होके गिरती जाएगी। किसी भी टाइप की थ्रेडिंग करनी है आपने, कोई भी टाइप की चूड़ी डालनी है, थ्रेडिंग करनी है, जैसे आपकी शीट मेटल की करनी है, ड्राईवॉल की करनी है, किसी भी टाइप की आपके करनी है, तो जैसी आप डाई लगाओगे वैसी थ्रेडिंग करके मशीन निकाल देगी। तो इन दोनों मशीन्स को लगा के आप किसी भी टाइप का स्क्रू बना सकते हो, छोटे से लेके बड़ा तक, किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप हो, जैसे शीट मेटल है, ड्राईवॉल है, कोई वुड स्क्रू है, कोई भी टाइप का स्क्रू आप इनमें बना सकते हो। तो जब भी ये आप मशीन हमारे से लोगे, हमारा इंजीनियर जाएगा आपके पास, मशीन इंस्टॉल करके आपको सारी ट्रेनिंग दे के आएगा मशीन चलाने की। तो ये मैं आपको वायर नेल और स्क्रू की इकट्ठी मशीन आज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर बिजनेस हैं। तो अब दोनों मशीन से इकट्ठी भी लगाओगे तो, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बेचना है आपका कस्टमर एक ही होगा बेचने वाला, जैसे वायर नेल भी एक ही आपका होलसेलर, वही होलसेलर लेगा, स्क्रू भी वही होलसेलर खरीदेगा। तो आप दोनों मशीन लगा रहे हो तो इसमें आपका डबल प्रॉफिट रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हेडर की वीडियो दिखाने लगा हूँ। आप देख सकते हैं वायर का रोल लगा हुआ है, तो वायर का रोल लगा है ऑटोमेटिक, बस अपने वायर फीड कर देनी है मशीन ने, ऑटोमेटिक स्क्रू बनाए जाना है। हेडर मशीन में सबसे पहले स्क्रू बनता है, उसमें हेड बन जाएगा और स्क्रू बन जाएगा, थ्रेडिंग नेक्स्ट मशीन में डलती है जैसे मैंने आपको बताया पहले। देखो ये देखो कितना बढ़िया हेड बना हुआ है, फोर हेड बना हुआ है, ये ड्राइवल स्क्रू बना हुआ है जैसे, तो इसमें थ्रेड नेक्स्ट मशीन में डलेगा। देखो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बस आपने वायर लगानी है, ऑटोमेटिक बन के स्क्रू गिरता जाना है बस नीचे। इसके बाद ये जाएगा पॉलिशिंग ड्रम में, मैं आपको पॉलिशिंग ड्रम की वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए अभी पॉलिशिंग ड्रम की वीडियो आएगी, ये देखिए पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसको आपने 10-20 मिनट, इसको 10 मिनट आपने घुमाना है। घुमाने के बाद इसको लकड़ी का बुरादा डलता है साथ में, लकड़ी का बुरादा डाल के ये इसका जो ऑयल होगा ऑयल रिमूव हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसको ऑयल रिमूव हो गया, अब निकल गया ये। अभी आएगा रोल थ्रेड में, ये वाइब्रेटर सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जैसे अपने स्क्रू डाला है, ये सैंपल के लिए स्क्रू डाले हुए हैं, जैसे ये पूरी भर सकते हैं आप इसको, ऊपर तक भर सकते हैं इसको वाइब्रेटर को। ये देखो आप जैसे वाइब्रेटर में घूम के जा रहा है ये ऊपर स्क्रू घूम के ऐसे, तो उसमें आ जाएंगे जहाँ से फीड होएंगे आगे मशीन में, वहाँ पर आ जाएंगे फीडर में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे स्क्रू घूम रहे हैं जैसे, अभी देखो ये आगे आ गए हैं फीडर में, ये स्क्रू ऐसे लाइन में भरकर पूरे हो गए हैं, तो पीछे वाइब्रेटर जैसे बंद हो जाता है, जैसे लाइन में अगर भर जाएगा पूरे स्क्रू भर जाएंगे तो पीछे वाइब्रेटर बंद हो जाएगा, जैसे स्क्रू आगे से ख़त्म होएंगे वाइब्रेटर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा खुद ही। ये देखिए हमने मशीन स्टार्ट कर दिया, अभी
इसमें भी बस आपने स्क्रू इसमें वाइब्रेटर में डालना है, फुली ऑटोमेटिक मशीन ने खुद काम करते रहना है, बल्कि इसमें लेबर की बहुत कम ज़रूरत होती है। एक स्किल्ड आदमी हो, एक हेल्पर हो, तो सारी मशीन से ऑपरेट कर लेता है खुद ही। देखो फुली ऑटोमेटिक बस स्क्रू बन के अब निकलता जा रहा है। इसमें आपका हेडर में हेड बन गया, पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसका ऑयल रिमूव हो गया, पॉलिश भी हो गया साथ में, और चूड़ी भी डल की, ये थ्रेड भी अब डल गया है, आप देख सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स है, कोई भी आदमी चला सकता है इसको, बहुत इजी प्रोसेस है ये। कुछ आपको मैं रनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ, ये देखिए जैसे रनिंग सेटअप लगा हुआ है पूरा, ये कंप्लीट इसने 10-20 मशीन लगाई हुई हैं। एक और सेटअप लगा हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने हेडर लगे हैं, कितने रोल थ्रेड लगे हुए हैं, बल्कि पूरा कंप्लीट सेटअप लगाया है वो लोगों ने। इतना इसका डिमांड होती है स्क्रू की कि लोगों ने 10-10, 20-20 मशीन लगाई हुई है। आप देख सकते हैं ये ड्रेवल स्क्रू बना हुआ है, कितने बढ़िया क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी में बनता है ये रोल। ये देखिए रोल थ्रेड में अभी ड्रेवल स्क्रू बन के निकल रहा है, ये देखो आप, ये ड्रेवल स्क्रू है, बल्कि पूरा कंप्लीट प्लांट लगा हुआ है इसमें। आपने इसने हीट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, जो आपने भट्टी वाला बोला मैंने, बर्नर वाला, वो भी प्लांट लगा हुआ है सारा। ये देखो कितनी मशीन्स लगी हुई हैं। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ आपको। ये पॉलिशिंग ड्रम होता है, तो इसका काम है पॉलिश करना। ये आप स्क्रू का सेटअप ले रहे हो, वायर नेल का सेटअप ले रहे हो, दोनों में मस्त है। अगर आप दोनों सेटअप ले रहे हो तो ये आपकी ये तीन मशीन, अगर आप वायर नेल का भी ले रहे हो और स्क्रू का भी ले रहे हो तो ड्रम एक ही लगेगा सभी में। तो दोस्तों ये पॉलिशिंग ड्रम है, तो इसका काम है जैसे अगर वायर नेल की मशीन लगा रहे हो तो उसके साथ लगेगा, जो वायर को रस्ट लगा होगा, ऑयल लगा होगा, तो वायर नेल बस एक ही मशीन में रेडी हो जाएगा। इसमें आप डालोगे तो बस ये आधा घंटा, इसमें जैसे घुमाओगे, 500 kg कैपेसिटी का ड्रम है, इसमें आपने वायर नेल डाल दिया तो वो लकड़ी के बुरादे के साथ पॉलिश होके यहाँ से बाहर गिर जाएगा। बस उसको आप उठाओ, बोरी में डालो, पैक करके भेज सकते हो, या डब्बे बॉक्स में डालनी है तो बॉक्स में डाल के पैक कर सकते हो। और अगर स्क्रू स्क्रू वाले में ये यूज़ होता है, जो हेडर से मटेरियल बनेगा जो भी, सबसे पहले इसमें जाएगा, हेडर से मटेरियल बन के पॉलिशिंग ड्रम में जाएगा, पॉलिशिंग ड्रम के बाद थ्रेडिंग में जाएगा। क्योंकि जब हेडर में जब स्क्रू बनता है तो ऑयल लगा होता है इसके ऊपर, जो उसका हेड बनेगा, स्क्रू बनेगा, उसके ऑयल लगा होता है, तो सबसे पहले ऑयल रिमूव करने के काम आता है ये वाला, उसके बाद थ्रेडिंग मशीन में डालते हैं। नेक्स्ट मशीन है कटर ग्राइंडर मशीन है। आप ये इसका काम होता है टूल्स की धार लगाना, जो इसमें कटर होते हैं, जैसे स्क्रू वाली में, वायर नील वाली में कटर लगे होते हैं जो वायर को कटिंग करते हैं। अब कोई भी आपने डाई डाई का भी अगर कोई काम करना है, डाई को तीखा करना है, कटर को तीखा करना है, तो ये कटर ग्राइंडर तब यूज होता है। ये भी वायर नील वाली मशीन है, सेम मशीन है जैसे मैंने आपको दिखाई है 4 इंची वाली, ये 2 इंची की मशीन है। तो ये सभी सेटअप जो जा रहा है एक ही कस्टमर लगा रहा है सभी, तो इससे होता है कि आपका वायर नील भी बन जाएगा, स्क्रू भी बन जाएगा, आपको जो होलसेलर आपका सेम ही रहेगा, जो अगर आप स्क्रू बना रहे हो तभी होलसेलर सेम है, वायर नेल बना रहे हो तभी होलसेलर सेम है। तो ये सभी का अगर आप, बहुत बढ़िया काम है ये, इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप लगा रहे हो, अगर जो वायर नेल में आपका आसानी से पर केजी के पीछे आपको 10 से 15 रुपये पर केजी के पीछे आसानी से बच जाएंगे। और अगर ये स्क्रू वाला लगा रहे हो तो स्क्रू वाले में जैसे ड्राइवल स्क्रू होता है, तो ड्राइवल स्क्रू में पर केजी के पीछे आपको 25 से 30 रुपये आसानी से पर केजी के पीछे बच जाएंगे। पर केजी आपको जो प्रॉफिट रहेगा स्क्रू में, 25 से 30 रुपीज़ पर केजी पे प्रॉफिट रहेगा। और जो वायर नेल है, वायर नेल में आपको पर केजी के पीछे 10 से 15 रुपीज़ पर केजी का प्रॉफिट रहेगा। तो ये सभी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, दोनों का जो रॉ मटेरियल लगे आएगा, वो दोनों का रॉ मटेरियल आपको रायपुर या दुर्गापुर से लो तो सबसे सस्ता पड़ेगा। जो स्क्रू में लगता है वो HHB वायर होता है, और जो वायर नेल में लगता है वो ओनली HB वायर होता है। वायर नेल का सिंपल प्रोसेस है, बस रोल लगाओ स्क्रू वायर नेल में रोल लगाओ, वायर नेल बन के निकल जाएगा, पॉलिश करो, पैक कर सकते हो। स्क्रू वाली में होता है, स्क्रू आपने बना लिया तो उसको दो टाइप के बाद में, तीन टाइप में बिकते हैं। एक तो स्क्रू बना लिया सिंपल आपने, बस सेल कर दिया उसको, और दूसरी टाइप होती है उसको कोई ब्लैक कोटिंग करनी है स्क्रू के ऊपर, तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है। उसके लिए एक हीटिंग ड्रम लगता है, एक ड्रायर लगता है, उसके भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी। तो उसमें जैसे स्क्रू रेडी हो गया, पूरा रोल थ्रेड से निकल के रेडी हो गया, वो ड्रम में हीट करोगे, जैसे आधा घंटा ड्रम में हीट कर लिया उसको, हीट करने के बाद ड्रम में उसको बाद में केमिकल में डालोगे तो ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद उसका आप ड्रायर में डालो तो वो सूख के, जो भी उसका पानी लगा होगा स्क्रू में, केमिकल लगा होगा, तो बाहर हो जाएगा, तो
जो स्क्रू का मार्केट में बिकने के लिए रेडी है। दोस्तों ये ब्लैक कोटिंग का प्रोसेस है। आप देखो ये बर्नर लगा हुआ है नीचे, ऊपर ड्रम घूम रहा है, तो स्क्रू जैसे बन के वो रोल थ्रेड से बनकर आएगा। तो अगर ब्लैक कोटिंग करनी है आपने तो इसमें आपको बस इतना करना है, ड्रम में डाल के उसको बस 20 मिनट आधा घंटा घुमाना है, तो नीचे से हीट से वो हीट भी हो जाएगा। हीट होने के बाद उसको बस आपने कटिंग ऑयल में डालना है, या कुछ डाले हुए हैं ये केमिकल में डालोगे तो वो ऑटोमेटिक हार्ड भी हो जाएगा, ब्लैक भी हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये ड्रायर मशीन है, इसमें स्क्रू जैसे केमिकल में डालने के बाद ड्रायर में आएगा, तो देखो कितना बढ़िया ब्लैक कोटिंग भी हो गया, उसका ड्रायर में पानी भी निकल गया, हार्ड भी हो गया और ब्लैक। और थर्ड टाइप होती है जिंक कोटिंग। कोई भी टाइप की कोटिंग होती है, स्क्रू देखा होगा आपने, गोल्डन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, या सिंपल जिंक होता है जैसे क्रोम टाइप होता है। तो अपने जो तीन टाइप है वो अलग प्रोसेस होते हैं, तो उसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। स्क्रू, अब बैरल ड्रम होते हैं, स्क्रू को डाल के उसमें आधा घंटा घुमाओ तो आपकी कोई भी कोटिंग हो जाएगी। अगर जिंक कोटिंग हो जाएगी, अगर कलर करना है आपने गोल्डन तो कलर में डिप कर दो तो गोल्डन कलर हो जाएगा, ब्लू कलर करना है तो ब्लू में डिप करो। अगर कोई भी कलर नहीं करना है तो वो सिंपल क्रोम रखना है, बस बैरल में घुमा के उसको आधा घंटा जिंक कोटिंग हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए आप, ये रॉ मटेरियल है, जैसे स्क्रू मशीन में बन के आया तो ऐसा दिखता है। पहले ये सबसे पहले स्क्रू आएगा, इसको ड्रम में डालेंगे, ड्रम में डाल के वॉश करते हैं पानी से, तो ये पानी जो होता है रिसाइकल होता रहता है। ये देखो वॉश हो रहा है, वॉश होने के बाद देखो स्क्रू कुछ ऐसा दिखेगा, ये जैसे ड्रम से निकाला है स्क्रू बाद में, तो वॉश होने के बाद स्क्रू ऐसा दिखता है कुछ। इसके बाद हम डालेंगे इसको एसिड में। ये देखो सबसे पहले एक बारी जो बन के आया है वॉश हो गया है ड्रम में, उसको एक बार पानी से साफ़ करके इसको डालते हैं एसिड में। अब देखिए ये एसिड ड्रम में डाल दें, जैसे सब स्क्रू को बस इसको डाल के बस निकाल लेना है, इसको रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखते, ज़्यादा समय नहीं रखते इसको, इसको बस ड्रम में डाला है तो इसको निकाल देना है बस। ये देखो इन्होंने डाला है तो ये निकाल दिया, बस निकाल के इसको एक बार फिर से पानी में साफ़ करके इसको जो जिंक बैरल होता है, ड्रम होता है जिंक जिसमें होएगा, उसमें डाल देना है। अभी ये देखता देखो दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए इन्होंने जो पहले जिंक हुआ हुआ है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद जो अभी जो एसिड में डाल के लाए हैं उसको इसमें डाल देंगे, स्क्रू को इस जिंक हुआ किया हुआ निकाल लिया इन्होंने, और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे। ये देखो आप, ये पहले जिंक हुआ उसको निकाल दिया है, अब जो जिंक होना है उसको डाल देंगे अंदर। ये देखिए आप, ये एक ड्रम की कैपेसिटी 50 केजी की कैपेसिटी होती है एक ड्रम की। इसको आधा घंटा इसी में जो केमिकल होता है जिंक, इसमें देखो पीछे प्लेट लगी हुई है जिंक प्लेट, तो आधा घंटा ये ऐसे ही घूमता रहेगा, आधे घंटे में ये 50 केजी माल जिंक कर देता है। अगर आपने सिर्फ जिंक कोटिंग करनी है तो ये सिर्फ ऐसे घूमने, ये देखो ये जिंक हो गया है, तो ऐसे भी आप सेल कर सकते हो। अगर आपने अगर गोल्डन कोटिंग करनी है तो इसको आपको गोल्डन कलर में डालना पड़ेगा। ये देखो अभी ये गोल्डन इन्होंने कोटिंग करनी है तो गोल्डन कलर में डालेंगे। ये देखिए आप, ये गोल्डन कलर में डाला तो ये गोल्डन हो गया, देखो स्क्रू सारा। अगर आपने सिर्फ जिंक करना है तो आप वैसे इसको सीधा ड्रायर में डालो, वो जिंक रहेगा। अगर और कोई कलर करना है ऊपर तो कलर वाले केमिकल में डाल दो बस, वो स्क्रू बन के रेडी हो जाता है। ये इसके बाद उन्होंने ड्रायर में डाल दिया है, अब देखिए ड्रायर में डालने के बाद इसमें होता है इसका सारा पानी निकल जाता है, अगर जो उसमें पानी लगा हो कोई भी केमिकल बचा है तो सारा निकल के स्क्रू हो जाता है, ड्राई स्क्रू हो जाता है बस। ये देखिए ड्रायर में बन के सूख जाएगा। अब इसको इन्होंने बोरी में डाल के मार्केट में इसको आप सेल कर सकते हो। ये देखिए इन्होंने बोरी में डाल देना है अब, तो इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी आदमी लगा सकता है इसको। बाकी आपको कोई भी और कोई भी जानकारी चाहिए बिजनेस के बारे में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमें मैसेज करो। आपको मशीन्स की, बिजनेस की कोई भी जानकारी चाहिए सभी मिल जाएगी। मशीन अगर आपने खरीदनी है तो आप नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमें अपनी डिटेल भेजिए, आप पेमेंट करवाओ, जो भी 30% एडवांस होता है आपको विद इन 10 to 15 days आपके यहाँ पे मशीन डिलीवर हो जाएगी। तो किसी ने भी अगर आप फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो कॉल पे भी मशीन दिखा सकते हैं।
आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी बिजनेस है, प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है। क्योंकि आप देखोगे जो स्क्रू है वायर नेल की, हर जगह पे डिमांड रहती है इसकी। दोस्तों आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।